बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करम सलीम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखें। तो इसी दुआ के साथ हम आज की वीडियो का आगाज़ करेंगे। मौसम जो है वो चेंज हो गया, सर्दियों की आमद आमद है। तो सर्दियों में जो फ़िश है वो बहुत ज़्यादा खाई जाती है। तो आज हम बनाने वाले हैं फ़िश, वो भी लाहौरी स्टाइल में, बहुत ही मज़े की और बहुत ही डिफरेंट स्टाइल की रेसिपी है। तो शुरू करते हैं। फिश हम ले रहे हैं और ये है मली। यहाँ पे इसका रेट जो है ना हमारे टोन में 450 रुपये किलो है जिंदा मछली। अच्छी 450 रुपये किलो जिंदा मछली का रेट है यहाँ पे। लहसुन अदरक का पाउडर, नमक, अजवाइन और एक लेमन जो है इसके ऊपर निचोड़ा जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम सबसे पहले फ़िश जो है उसको मैरिनेट करेंगे और इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। सबसे अहम और ज़रूरी है फ़िश की मैरिनेशन। शुरू करते हैं। फ़िश जो है वो कल हम लेके आए थे और जो भाई थे उन्होंने फ़िश वाले इसको मसाला जो लगा के दिया था उसमें लहसुन अदरक का पाउडर था और अजवाइन थी और नमक था और ये दो लेमन उन्होंने ऊपर निचोड़ के दिए थे। तो फ़िश को हमने फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से में रख दिया था। तो अभी फ़िश को हमने अच्छे तरीके से धो लिया, अभी धो लिया और वो मसाला उतर गया और काफ़ी हद तक इसकी जो स्मेल होती है उस मसाले की वजह से वो भी कम होगी हुई है। तो ये देखिए माशाल्लाह, ये हमारी फ़िश है और ये मली है। ये देखिए माशाल्लाह। तो यहाँ पे सबसे पहले मैरिनेशन में हमने लिया इमली का पल्प, ये देखें, और ये तकरीबन आधा पाव के करीब इमली थी हमारी और उसका हमने पल्प निकाल लिया। इसको पहले भिगो दिया था तो अभी इसका पल्प जो है वो हमने निकाल लिया। तो सबसे पहले ये हम डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें पानी की मकदार जो है वो कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। और ये जो फ़िश है हमारी ये तकरीबन 2.5 kg है, 2 किलो से ज़्यादा ही है। बेसन इसको अच्छे तरीके से हमने छान लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये इसमें हम शामिल करेंगे, ज़्यादा नहीं शामिल करना, ये तकरीबन 200 ग्राम कह लें कि हम इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका बैटर हमने तैयार करना तो उस हिसाब से हम बेसन डालेंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करते हैं ना अच्छी तरह। तो ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, थोड़ा सा इसको हमें पतला रखना है। तो अभी इसमें हम थोड़ा पानी जो है वो भी ऐड करते हैं। पानी थोड़ा सा हमने ऐड किया, बेसन और इमली का पानी जो है, पल्प जो है उसको हमने मिक्स कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। इस तरह का हो कि जो जब हम फ़िश को लगाएं तो अच्छी तरह फ़िश के ऊपर लग जाना चाहिए। तो अभी इसमें हम बाकी मसाले डालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डालेंगे तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट जाएगा इसके अंदर। तो अभी इसमें जाएगा तकरीबन 1.5 चम्मच ज़ीरा पाउडर और इसको हमने ज़ीरे को थोड़ा ब्राउन करके इसका पाउडर तैयार किया। अजवाइन इसको भी हमने पीस लिया। खुश्क धनिया का पाउडर जाएगा, इसको भी हमने ब्राउन करके इसका पाउडर तैयार कर लिया। नमक, हल्दी पाउडर,
पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च भी जाएगी और इससे इसका टेस्ट इंशाल्लाह जो है वो बहुत ही मज़े का होगा। पिसा हुआ गर्म मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी पिसी हुई काली मिर्च, 3 से 4 अदर लेमन है उनका रस, अगर लेमन ना हो तो सिरका भी आप शामिल कर सकते हैं। अभी इसको हम करेंगे मिक्स अच्छी तरह। बिस्मिल्लाह, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया है और इसका कलर मज़ीद अच्छा बनाने के लिए थोड़ा सा इसमें हम शामिल करेंगे ज़रदा कलर। तो ये थोड़ा सा ज़रदे का कलर डालने से इसका कलर देखें माशाल्लाह हो गया अच्छा। अगर आप इमली का पल्प ना शामिल करना चाहें तो फिर आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कमर्शली इसमें इमली जो है वो ही इस्तेमाल होती है तो उससे अपना टेस्ट आता है। दही से भी आप बनाएँगे तो उससे भी मज़े की बनेगी, लेकिन उससे टेस्ट इसका और उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी फ़िश जो है इसको हम मैरिनेट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें आपका जो मसाला है वो इस तरह का हो कि फ़िश डालते उसके ऊपर सही तरह ये लगना चाहिए ऐसे। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें फ़िश को अंदर रखते ही मसाले ने फ़िश को अच्छी तरह पकड़ लिया, तो इस तरह का हमारा जो है वो मैरिनेशन इस तरह की होनी चाहिए। ये देखें एक एक पीस को मसाला लगाते जाएंगे ऐसे और दूसरे बर्तन में रखते जाते हैं। तो ये देखें ये सारी फ़िश को मसाला जो है वो लग गया अच्छे तरीके से और बर्तन भी हमारा जो है वो भी खाली हो गया। तो मसाला अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पूरा और परफेक्ट बना है और अभी इसको हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे तकरीबन 6 घंटे के लिए, और ये जितना ज़्यादा इसको टाइम देंगे आप मैरिनेशन के लिए उतना ही अच्छा है, लेकिन कम से कम 5 से 6 घंटे होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको 24 घंटे के लिए भी रखा जा सकता है, लेकिन हम इसको तकरीबन 6 घंटे के लिए रखेंगे और उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। तो अभी तो तकरीबन 6 घंटे हो गए हैं, तो अभी हम करेंगे इसको फ्राई। तो फ़िश को फ्राई करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमने कढ़ाई ली है वो लोहे की ली है और थोड़ी बड़ी कढ़ाई ली है, और कोई भी चीज़ जो हम फ्राई करते हैं अगर लोहे की कढ़ाई में हो तो ज़्यादा अच्छी फ्राई होती है, और कमर्शली बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में ये चीज़ें फ्राई की जाती हैं तो इसलिए फिर घर में वैसा टेस्ट नहीं आता। तो इसलिए बड़ी कढ़ाई हो लोहे की कढ़ाई हो तो चीज़ फ्राई करने का मज़ा भी आएगा और उसका टेस्ट भी अच्छा होगा, जो भी आप फ्राई कर रहे हैं उसकी लुक भी अच्छी होगी। तो इस वक्त कढ़ाई के अंदर हमारे पास ऑयल है तो ये फुल गर्म जो है वो हो गया हुआ है, तो अभी इसमें हम फ़िश अपनी जो है उसको फ्राई करेंगे। ये बड़े वाला पीस इसमें डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये पीस क्योंकि बड़ा है तो इसलिए ये एक ही पीस इसमें हम फ्राई करेंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे इसको। अभी इसकी हम साइड जो है क्योंकि ऑयल काफ़ी गर्म है साइड पलट लेते हैं ऐसे। तो ये माशाल्लाह तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने इसको फ्राई कर लिया, तो अभी इसको हम निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये देखिए माशाल्लाह अभी ये हाफ डन हमने की है, फुल फ्राई नहीं अभी हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक दफ़ा फ्राई करने से फ़िश के अंदर जो पानी की बहुत बड़ी मकदार होती है वो बिल्कुल ड्राई नहीं होता, तो इसलिए इसे जब भी बनाएं 2 दफ़ा फ्राई करें। तो एक दफ़ा हम पहले फ्राई करते हैं
एक दफ़ा दोबारा भी इसको फ्राई करेंगे। माशाल्लाह ये होगी फ्राई। तो इसी तरह सारी फिश जो है उसको पहले एक दफ़ा हम फ्राई कर लेते हैं। तो माशाल्लाह एक दफ़ा हमने फ्राई कर लिया, यानी कि हाफ फ्राई हमने कर लिया फिश को। ये आखिरी वाला पराग है। फिश को हमने एक छाने के अंदर रखा है ताकि इसका अजाफी ऑयल जो है वो नीचे निकल जाए, और इसको हम तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए खुश्क होने देंगे, बिल्कुल ड्राई हो जाए, दोबारा उसके बाद हम फ्राई करेंगे। अभी हम दोबारा फिश को फ्राई करेंगे। तो अभी ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर हो, यानी कि मीडियम आँच पर होना चाहिए। बिस्मिल्लाह। तो बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर सही तरह फ्राई करेंगे ताकि पानी इसका जो है वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। तो माशाल्लाह ये है फाइनल लुक, फ्राई हो गई है सही तरह। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह रायता है, कैचअप है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये फिश है। अब आए। और हमारी टीम जो है वो टेस्ट करने को तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा मजा है। बता दो मीठा। ये खाओ। मुनीब जी बेटा आया बेटा मजा आया? आया मजा। कितना मजा आया? बहुत मजा। मामा ले आए। आनी मौजम भाई जी माशाल्लाह बहुत मजा आया। करम भाई आनी अम्मी जी बहुत मजेदार पुत्र बनी है, बहुत मजा आया। आनी कलब भाई अल्हम्दुलिल्लाह करम भाई बहुत जबरदस्त बनी है, क्या बात है। मोहित मजा आया? आया। नया आपको मजा आया? हां जी बाबा जी आया आया आया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और ये रेसिपी भी आप ज़रूर ट्राई करेंगे अगर आपने पहले ट्राई नहीं की। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।